आज हमारे यहाँ जो नाम चर्चा हो रही है इसमें गरीब परिवारों को राशन दिया जा रहा है। क्या इस राशन वितरण से भूखमरी को समाप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है। ये हमारे गुरुजी ने ये हमारे को प्रेरणा दी है कि इससे समाज में हरेक को अच्छा लगे कि हाँ डेरा सच्चा सौदा के इतने मानवता भलाई किए जा रहे हैं। तो ये राशन भी है, किसी के पास अगर राशन नहीं है तो हम उनको राशन देंगे, तो हमारी ये बहुत बड़ी सेवा बनेगी। ये विजय गुरु जी के वचन है। क्या ये राशन संगत द्वारा इकट्ठा किया जाता है? हाँ, ये संगत द्वारा इकट्ठा किया जाता है। बट ये संगत जो है एक दिन का व्रत रखती है और व्रत का जो अनाज बनता है वो जीवन की सेवा में ये लगाया जाता है। हेलो मैम, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मैं सुनीता गोयल, किशनगढ़वास ब्लॉक से किलानवास। आप यहाँ पे आज क्यों आए हैं, कुछ आने का कारण? आज हमारे बेपरवा शाह मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी, उनका जन्म माह मनाया गया है। तो आपने जन्म माह किस तरीके से मनाया है, कुछ बताएंगे? हमें हमारे सतगुरु ने 134 मानव का भलाई की कार्य करना सिखाया, उन्हीं में से आज हमने कुछ कार्य किए हैं। जैसे राशन किट बांटी है गरीबों को, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उनको हम एक महीने का राशन देते हैं। कल का ये है कि कोई भी किसी के काम नहीं आता, फिर भी आप लोग इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं दूसरों की भलाई के लिए? पूज्य हजूर पिताजी ने प्रेरणा ही ऐसी दी है कि जो दूसरों के दुख में काम आए तो भी वही सच्चाई था। तो आप समाज के लिए क्या कुछ संदेश देंगे, क्या इससे भुखमरी खत्म हो सकती है आपकी इस पहल से? पूज्य गुरु जी ने अगर ये पीड़ा उठाया तो इसके लिए क्योंकि सबके दिलों में इंसानियत बसी हुई है तो जरूर होगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी का एक ही मकसद है कि सबको रहने के लिए छत हो, कोई भी भूखा ना सोए। जैसे कि देश की जो जितनी आबादी है उसकी 50% जनता भूखी सोती है, पूज्य गुरु जी किसी को भूखा नहीं देख सकते, वही प्रेरणा हमें दी। डेरा सच्चा सौदा के लोग तो मानवता भलाई की कार्य भी करते हैं, आज कोई कार्य हुआ है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हम जब भी कोई भी जन्मोत्सव वगैरह गुरुजी का मनाते हैं या कोई भी फंक्शन मनाते हैं तो उस दिन हम जीन दुखियों की मदद के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो आज भी हमने 7 परिवारों को, ऐसे परिवार जो कि आर्थिक परिस्थितियों से कमजोर है, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, उन लोगों को 7 जनों को महीने भर का राशन हमने दिया है जी, ताकि वो महीने भर अपना खा सके। और हर महीने ही हम लोग व्रत करके और ये राशन उन परिवारों को देते हैं जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल पाते, उनको गुरु जी की प्रेरणा अनुसार ही देते हैं। आपने कहा व्रत रखते हैं, क्या फ़ायदा है इस व्रत रखने का? व्रत रखने के गुरु जी ने कई फायदे बताए हैं। अगर हम दिन भर खाना नहीं खाते हैं और गर्म पानी गुनगुने पानी से रहते हैं तो हमारे आंतड़ियाँ भी मतलब शरीर भी स्वस्थ रहता है, और उस दिन जो हम खाना नहीं खाते हैं उससे जो हमारा पैसा बचता है तो उस पैसे को हम दीन दुखियों की मदद के लिए परमार्थ करते हैं, जिसको हम फूड बैंक में जमा करते हैं ताकि उन परिवारों का भला हो सके, ताकि वो परिवारों का भी घर चल सके। आपने बताया 134 मानवता भलाई के कार्य हैं, और कौन कौन से कार्य करते हैं आप? 134 मानवता भलाई के कार्यों में हमारा ब्लड डोनेशन है, ताकि कोई भी एक जना भी अगर ब्लड देता है तो उससे 4 जनों की जानें बचती है। ब्लड डोनेशन है, ट्री प्लांटेशन है, हम पौधे लगाते हैं ताकि पर्यावरण स्वस्थ रहे, कई ऐसे वर्क है जो हम लोग करते हैं। आज मैं भी यहाँ पर आकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने अपने मुरीदों को इतनी अच्छी प्रेरणा दी है, जो वो शिष्य उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और आज हमको देखने को ही मिला है। समाज अगर इनके बताए हुए मुहिम में जुड़ जाएगा तो आने वाले पल में भी धरती हमारी स्वर्ग का नमूना।